हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपेश गोयल। आज मैं आपको गायनेकोमेस्टिया है या नहीं, कैसे पहचाने, इसके बारे में बताऊंगा। बहुत से लोग आते हैं जिनको कि अतिरिक्त चर्बी के कारण उनको छाती में प्लॉट नज़र आती है और वो इसे गायनेकोमेस्टिया समझ लेते हैं और मेरे पास लेके आते हैं। तो आपको घर पे ही कैसे पता चलेगा कि ये गायनेकोमेस्टिया है या नहीं है? तो आपको बहुत ही ईजी तरीका है, कांच के सामने आपको मसल्स को अपने टाइट करनी है हाथ रख के, और जो ब्रेस्ट वाला जो टिश्यू है वो होल्ड करके रखना है। यदि आपको फिंगर के बीच में कुछ दाने जैसा कुछ फील हो रहा है और आपको पता लग रहा है कि ये कोई टिश्यू है, जैसे कि हमारा जो हाथ में ये टिश्यू है, इस तरह से आपको लग रहा है कि कोई टिश्यू है, तो दिस इज ए गायनेकोमेस्टिया। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे कई पेशेंट होते हैं जिनको कि सिर्फ चर्बी होती है, उसमें फैट होती है, कोई मास नहीं होता, तो वो एकदम सॉफ्ट सा आपको फील होगा, और जो कि वो गायनेकोमेस्टिया नहीं है। उसको आप एक्सरसाइज और कुछ डाइटिंग की यदि आप फॉलो करेंगे तो उससे आप उसको ठीक कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको यदि कोई प्रॉब्लम हो रही है कि आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, मेरे चेस्ट में फुलावट है, तो आप कन्फ्यूज ना हों। रेजुवेना कॉस्मोकेयर वैशाली नगर में हमारा क्लिनिक है, मैं एग्जामिन करके आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको कोई सोनोग्राफी कराने की ज़रूरत नहीं है। एक बहुत ही सिंपल एग्जामिनेशन टेस्ट से हम बता सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं, और वैशाली नगर में हमारा क्लिनिक है, आप इजीली यहाँ आ सकते हैं या अपने फोटोग्राफ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरे यहाँ दिए हुए हैं, तो जो भी एग्जैक्ट प्रॉब्लम होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और इसके लिए आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ गायनेकोमेस्टिया की सर्जरी डेली सी ही होती है और काफ़ी सारे पेशेंट हमारे यहाँ आते हैं इस सर्जरी से रिलेटेड। तो मेरी आपको एडवाइस है कि यदि आपको ये प्रॉब्लम है तो स्पेसिफिक सेंटर पे ही जाएं, जहाँ पर आपको बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन मिलेंगे और आपको सही राय दे पाएंगे। धन्यवाद।